आर्थिक पक्ष तो जिहड़े लोग जाणू ने उहनां नाल आर्थिक मारा ना करेगी, उदों जे कर लैंदे ते आ इन्नी मुसीबत ना पैंदी। सो उही कमेटी अज सुप्रीम कोर्ट ने कहता कि कमेटी बनाई जाए, कमेटी बना दित्ती। सो मैं समझदी हाँ कि मीटिंगां च की निकलना की नहीं निकलना उहदे संबंध च असीं 8 मीटिंगां अगे देख लईआं। ये तो प्रधानमंत्री जी जां भारत सरकार आप ही फैसला करे कि तुरंत इन्हां नूं रद्द करके आने वाले भविख वास्ते कोई नवी पॉलिसी जिहड़ी है वो तैयार करे, जिहदे नाल किसान जिहड़े आ अपनी जिंदगी दी मंजिल तय कर सके। यही तो मैं समझती हाँ कि साढ़े वास्ते माड़ी गल है, प्रधानमंत्री जी ने जे कि आप बुक्कल में लै के लोगों गल कर लैन, अद्धी तो राहत उन्होंने वैसे ही मिल जाती है, अद्धी खुशी तो जदों घर का मालक जड़ा ना बच्चों गल च लै ले तो अद्धी चिंता उन्हें मुक जाती है। जे प्रधानमंत्री जी आप समझ लैन तो वह जल्दी हल निकल जाता, जदों किसी राही विचोला पा के किसी गल किया जाए वो असली हल का नहीं पता लगता कि बीमारी है की है। जो डॉक्टर सीधी बीमारी जानेगा तो इलाज सौखा कर सकता है, तो जे डॉक्टर किसी राही सुनेगा तो वह इलाज करना भी औखा हो जाएगा। ये भी एक समझो भारत सरकार लोगों की एक डॉक्टरी तौर पर उन्हें कब करना है, प्रधानमंत्री जी आप लोगों सुन लेना चाहिए। चलो जी उन्होंने उत्ते इतराज़ जो किसी ने किया कि वो तो डायरैक्ट किसी की पैदाइश है, वो राज्यसभा के मैंबर रहे, उन्होंने बेटा PPSC के मैंबर है, फिर उन्होंने महसूस किया होगा कि साढ़े उत्ते शायद ये गल लगती। सानू देखो कमेटी दे सानू कोई कंसर्न नहीं है, कमेटी कैड़ी बनाई कैड़ी नहीं बनाई, पर गल हैगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी की है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किया। मैं समझती हाँ कि भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस मुसीबत को जल्दी हल करे। इंग्लैंड की संस्था ने 100 प्रभावशाली सिखा की सूची बनाई है, जारी की जिस तुम्हारा नाम है दलजीत दोसांझ, सुखबीर बाजी का नाम है, की कहना चाहोगे? देखो जी मैं तो कोई वड्डी योग्यता नहीं रखती ना, मैं कोई ऐसे समझदी है कि मेरे मैं कोई बहुत वड्डे मारके मारे है, पर चलो जे किसी संस्था ने यह चोण की है तो मैं धनवाद ही कर सकती हाँ कि उन्होंने योग समझिया कि मैं किसी लिस्ट में शामिल हो सका, धनवाद ही है जी। सब चलो किसी ने बना ली जी, जे उन्होंने जे किसी ने बनाई है मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, तो परमात्मा का शुकराना करती हूँ कि ना चीज जी सेवक नू भी उहदे विच शामिल होंदा उन्हें मौका दिता। सारा जो राजी लगना अज डॉक्टर की गल कर लीए, सिख शख्सियतां नू आपां सन्मानित करना सी, असीं हुण तक नहीं कर सके, अपना ऐलान सी उह शख्सियतां कदों सन्मानित करांगे जी आपां? चलो कोई नहीं जी, आने वाले समय च तुहानू सब कुछ दस देंगे, पिछलियां गल्लां नू हुण ना छेड़िए। 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली कढ़ी जा रही जी, ट्रैक्टर रैली किसान कढ रहे आ जी, किसान कढणगे, ये तो किसानों का सवाल है। मैं इतने थोड़े च डॉक्टर को बैठी हूँ, बहुत चंगी गल है जी, जे औरतां ट्रैक्टर चला रही हैं वह भी किसानी कर रही हैं, वह भी खेती कर दी हैं, हुण मैं खेती कर दी मैं ट्रैक्टर नहीं चलाना आता, इस करके जिहड़ियां चला सकदियां उन्हें शामिल होना चाहिए जी। देखो असीं तां वार वार अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नूं असीं चिट्ठी भी लिखी है, हुण भी होम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिखी है कि इहनूं करतारपुर कोरीडोर जल्दी खुलाया जाए, क्योंकि हुण तां कोई मुश्किल ही नहीं, हुण तां सारी संगत गुरुद्वारे च जा रही है, ना उधरों कोई इतराज़ है, तो साडी सरकार नूं भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, इस करके खोल दिता जाए तां जो संगत की जिहड़ी मन दी रीझ है वह पूरी नहीं हो सकी, अज तक बहुत सारी संगतां रह गईआं जिहड़ियां उत्थे जा के दर्शन नहीं कर सकियां, जल्दी खोलिया जाए तां जो संगत उत्थे जा के दर्शन कर सके। देखो जी उन्हां दी मनशा तो उन्हां नूं पुछो, मेरी तो अरदास ही है कि जल्दी खुल जाए। जा रहे हैं जी, सानूं उत्थों सद्दा पत्र भी आ गया, असीं भी जा रहे हैं, और वध तो वध संगत नूं अपील भी की कि वध तो वध शामिल हो। देखो वार बार चिट्ठियां लिखनियां पत्र लिखने, अजे तो होम मिनिस्टर जो उत्थे बैठे ने जी, पहले तो किसानी का मसला हल कर लैन, मेरा ख्याल है कि इधर तो ध्यान उधर बाद च जाएगा, पहला कोल बैठे बूहे के उत्ते ठा देना।